होने के बाद भी जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं होगा। मेन कोर्स भी आया अपना, वो चिली पोटैटो उधर देना थोड़ा सा, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। गाइस भाई ये है जन्नत यार, 14 प्रो मैक्स। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एक्चुअली अभी थोड़ी देर बाद 12 बजने वाले हैं रात के, एंड आज हमारा जो एक्स रूममेट रह चुका है हॉस्टल एच में, उसकी बर्थडे, एंड मेरा क्लासमेट भी है ईतश, तो जान ही गए होगे अभी तक तो कितनी बार व्लॉग में आ चुका है, तो उसकी बर्थडे आज, तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एंड आप लोग को पता ही है हम लोग हॉस्टल में कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है कि यार क्यों मार रहे हो, इतना मारते हैं, अच्छी गलत बात है ये, तो देखो ये हॉस्टल के रूल्स हैं हमारे, हम ऐसे ही होता है, मतलब समझ लो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सबकी बर्थडे आती है सब ही ऐसे ही पिटते हैं, तो ये तो रिवाज बन चुका है, जिसकी बर्थडे आएगी सब पिटेंगे ऐसे, तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। बर्थडे के काफ़ी सारे व्लॉग बना चुका हूँ मैं, एटलीस्ट 3 तो हैं जिसमें बर्थडे वाला सेरेमनी दिखाई है, तो इस व्लॉग में वो पार्ट थोड़ा कम रख दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखा दूंगा केक काटते हुए, बाकी थोड़ा बहुत मारते हुए। एक चीज़ पहले से डिसाइड कर ली थी कि मैं और ईतश जो बर्थडे पार्टी है वो साथ में देंगे, थोड़ा स्प्लिट भी हो जाएगा अगर दो लोग साथ में देंगे तो खर्चा भी आपस में डिवाइड हो जाएगा अच्छे से। कल शाम को ही जाएंगे हम पार्टी करने। सर तो पूरे बॉम्ब में है भैया। दोनों पार्टियों को मारना ना आज। हम तो शांति प्रिय आदमी हैं, आज तक अभी हमने किसी पे हाथ नहीं उठाया। सिर्फ इसके लिए मैंने बेल्ट गिव अप कर दिया। क्यों? मैं बेल्ट लाता तो बच नहीं पाता बेचारा। ऐसा थोड़ा होता है, मेरे को बेल्ट घुमा घुमा के मारी है, तूने याद है भूल गया क्या? स्पेशल सीन डाला था तेरा स्लो मोशन करके भाई, केक पे तो अच्छा खासा पैसा उड़ा दिया इन्होंने, 800 रुपए का केक लेके आया ये सर, आप लाए हो मंगाया है? मंगाया हर लड़की के डीएम में कौन? हम क्लास से लैब में जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी गुजरेगी उसका नाम कौन जानता है? मैकेनिकल वाले लोंडे सिंगल घूम रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाइफ एंजॉय कौन कर रहा है? इतना सब होने के बाद भी जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं होगा। भाई बहुत प्यारा, बेस्ट विश एवर, और आपसे यही। आप बता दो दे क्या सिचुएशन क्या है इस समय? भाई अच्छी नहीं है इतना मैं कह सकता हूँ। कुछ फील हो रहा है पीछे? भाई गरम गरम लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे, एंड कल पिटाई वगैरह देख ली होगी आपने, और जो बेस्ट पार्ट था अचित वाला था यार, जो उसने मारा है कल बोल बोल के, मजा आ गया। हमारी क्लास है अभी, तो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। भाई कितनी लगन से बना रहा भाई बॉल, शोल्डर वायर का एक ही यूज होता है ये अभी जो मैट की हालत है इसकी वजह से तो हुआ है। ये तो जल रहा है यहाँ से, धुआं निकले। अचित भाई का आईपैड लैब में ये चल रहा है। बहुत दुख सा है इन्होंने अपनी जिंदगी में, कहेगा दुख अजित भाई ऐसा नहीं था ना, तो मोहब्बत का फर्क रहा, हजारों औरतें जिंदगी में आई जी, उनको स्वीकार ही नहीं किया। धन्यवाद आपका प्रभु। तो बैक फ्रॉम द क्लासेस, दोनों क्लास लगा ली, एंड आपने लैब वाला पार्ट भी देख लिया, वो क्या चल रहा था आज। एक्चुअली हमारी जो बग्गी की लैब थी, लास्ट लैब थी वो ईसी वाली, ग्रुप का जो भी काम था वो सबका हो ही गया था, एंड लास्ट क्लास थी, अटेंडेंस के लिए सब आए हुए थे। अभी एक लैब थी 1:50 पे, वो कैंसिल हो चुकी है, तो अभी मैं सो जाता हूँ क्योंकि कल रात में लेट हो गया था सोने में। उसके बाद सीधा उठूंगा लंच के टाइम पे, जो हमारी लास्ट लैब होगी वो 3:30 पे होगी, वो लैब करके
फिर बस उसके बाद हमें जाना है पार्टी करने। सब दोस्तों को हमने बोल दिया, एक ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे, सबको बता दिया उसमें कि 5 बजे सब रेडी रहना, सब लोग चलेंगे आज बाहर पार्टी करके आएंगे। इट्स 3:15 एंड हैड अ ग्रेट स्लीप। 10 मिनट बाद क्लास है, अभी रेडी हो जाते हैं, फिर लैब जाना है और उसके बाद डायरेक्ट हम पार्टी के लिए निकलेंगे। लैब हमारी 5 बजे तक होनी है। बाहर आज ना बारिश जैसा मौसम लग रहा है, अभी मैं देख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है। ठंड तो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो एकदम जैकेट वगैरह डाल के रेडी हो जाते हैं। हो गया ऑन हो गया। मस्त है भाई, एनिमे मेल्ट। हाँ दोनों तो सेम ही है, लेकिन मेन गेट पे आ गए एंड हमारी पूरी जितने भी गैंग मेंबर थे सारे आ चुके हैं। गैंग मेंबर एक बंदा मिसिंग है, मतलब दो लोग, दो तीन लोग नहीं आए अभी। निखिल नहीं आया, अनमोल नहीं आया। अनमोल तो वैसे भी नहीं आ पा रहा, उसकी क्लासेस थी यार, थोड़ा सा दुख लगा मेरे को नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं, उसको पार्टी दे देंगे बाद में। पहुंच गए एलिवेट एंड पैदल ही आ गए हम, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 5 मिनट लगा पहुँचने में। अभी सारे हमारे जितना भी ग्रुप है सब आ चुका है इधर, अभी ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा है। जैसे आपने जो भी थापर वाले उन सबने एलिवेट देखा होगा, उनका फेवरेट स्पॉट होता है। आ चुके सब लोग, हमारा अरेंजमेंट भी हो गया। ये मेन्यू है यहाँ का, न्यूज़पेपर लग रहा है। दो आइटम आ चुके हमारे, ये अफगानी चिकन एंड चिकन लॉलीपॉप, ये इन लोगों ने मंगाया अपने लिए। मेन कोर्स भी आया अपना, और चिली पोटैटो इधर देना थोड़ा सा, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। अपनी नान आ गई खूब सारी, ये है चिली पटेटो, इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये है पनीर की सब्ज़ी है, बना रहे कोफ्ता है पनीर, वो चिकन की ग्रेवी लग रही है, ये भी नॉन वेज है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, बिल आ गया है, बिल ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड रेंज में है। और ये सर देखो, निखिल सर हमारे यार लेट आए, खाना पीना हो गया बढ़िया से, कुछ कमी तो नहीं थी। हाँ पीना नहीं हो पाया, लेकिन खाना हो गया ना, पिला देंगे आपको, चिंता क्यों कर रहा है इसमें आपको, कुछ वाले कुछ और समझे, कुछ और पीना मेरा। कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, पेप्सी सर की फेवरेट है, पेप्सी पिला देंगे। वैरायटी देख रहे हो, सारी वैरायटी रखी है, मेरे को तो आइडिया नहीं इन सब के बारे में, जो पीते हैं उनके लिए तो जन्नत है भाई। お前はもう死んでいる。खाना पीना हो गया बढ़िया, सबसे रिव्यू ले लिए, सबने अपना मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी होती है सबका पेट भर चुका है। क्रोमा चल रहा है ऐसे ही घूमते। चलो अरे हेडफोन देखना, वहाँ स्टारबक्स भी है पास में ही, वहीं पे क्रोमा है। अभी हम सोच रहे थोड़ी देर क्रोमा में टाइम पास करके आते हैं। अपने सुखबीर को हेडफोन्स वगैरह देखने थे, तो ठीक है अभी तो इन टाइम 8 बजे सोच रहे हैं, 8 बजे तक तो कैंपस पहुंच ही जाएंगे हम, है ना, 8 बजे तक। सर ना लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं, फिर सबसे पहले तो स्टारबक्स हो गया, क्रोमा है पूरा, ऊपर पायरेट ऑफ ग्रिल्स, आगे जूडियो, फिर पिज़्ज़ा हट भी है भाई। क्रोमा में क्या लाइटिंग है भाई, इधर तो इतने तो आए नहीं, ऐसे ही बस देखने आए लोग, टाइम पास कर रहे, थोड़ी देर फिर कैंपस चले जाएंगे। टीवी दिखाता हूँ, टीवी देखना कितने बढ़िया टीवी है यहाँ पे। ये सैमसंग का 8K टीवी है एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी प्यारी है ना, इतना क्लियर है, फ़ोन में नहीं समझ आएगा लेकिन सामने में देख रहा हूँ ना, एक एक पिक्सल इतना प्यारा दिख रहा है। एंड इस टीवी का प्राइस है 2.5 लाख रुपये। ये सोनी का ब्राविया XR OLED टीवी, ये उससे भी महंगा है, 2,60,000 रुपये का। भाई इनकी पिक्चर क्वालिटी इतनी प्यारी है ना, फिर इतने बड़े टीवी के लिए ना घर भी वैसे ही होना चाहिए, इतना बड़ा रूम हो तब मज़ा आता है देखने में। गाइस भाई ये है जन्नत यार, 14 Pro Max, एक 135,000 का, 14 Pro 14 Plus, पूरी 14 की रेंज है यहाँ पर। इसका कैमरा होगा भाई एक नंबर, मज़ा आ जाएगा भाई। ये है क्वालिटी भाई, ये इससे क्या ब्लॉग बनेगा, मज़ा आ रहा है।
60 FPS ऐसा जब आ जाएगा तब खरीदेंगे भाई कभी। तो क्रोमा से बाहर आ गए हैं। क्रोमा में ये चीज़ बढ़िया होती है, कुछ भी जाके यूज़ कर सकते हो, कुछ बोलते नहीं है। तो सारे आईफोन 14 की रेंज थी, सब में व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया मैंने। और सुखबीर को हेडफोन खरीदने थे, उसने हेडफोन खरीद लिया। और अभी 7:40 हो गया है, हम जा रहे हैं वापस अब कैंपस। पैदल ही जाएंगे यार, कौन करेगा ई रिक्शा इतनी पास के लिए। पैदल चलते जाएंगे वॉक करते हुए। फाइनली रूम में आ चुका हूँ, 8:30 बज गए एंड इतनी दूर से पैदल चलते हुए आए हैं। जितना खाना था सारा पच गया भाई, पूरा क्रोमा से लेके हॉस्टल तक वॉक करके आए बढ़िया से। बहुत खाया भाई, सही में बहुत खाया। एंड बिल भी हमारा डिसेंट आ गया, जितना एक्सपेक्टेड था उसी रेंज में आ गया। एंड करते हैं यार अपने इस ब्लॉग को, एंड इसी ब्लॉग को अभी एडिट करने बैठूंगा सारी फाइल्स डाल के। पूरा दिन ख़त्म हो गया हमारा, इसके बाद आप सो ही जाएंगे थोड़ी देर बाद घर पर बात वगैरह करके। और तो चलो, अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो आई थिंक मज़ा आ गया होगा। एंड अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इस व्लॉग में भी टारगेट रखते हैं, लास्ट व्लॉग में मैंने बोला 300 सब्सक्राइबर करा देना, 300 तो नहीं हुआ अभी, करंटली 297 है एंड 3 सब्सक्राइबर बाकी हैं उस व्लॉग के। तो 300 प्लस 10 और 310 सब्सक्राइबर का गोल रखते हैं इस व्लॉग के, एंड तक 310 सब्सक्राइबर करवा देना। मुश्किल का टास्क ही नहीं है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे एंड मिलता हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।